सबसे पहले जितने अभी इस वक्त मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं आपका वेलकम करता हूं। और मैं इस वक्त में मुंबई के एक चर्च जिसको हम कहते हैं चेंबूर चर्च, मैं यहां पर हूं और आपके बीच में एक अद्भुत पुस्तक जिसका नाम है इब्रानियों की किताब द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 पे आज हम बात करेंगे। लेकिन स्क्रीन के ऊपर चैप्टर 1 है, अब आपसे बात कर रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर चैप्टर 1 है। बट मैं चाहता हूं कि जल्दी से आपको जो है अभी तक सीखा है थोड़ा सा आपको रिवाइव करा दूं या याद दिला दूं ताकि आपके दिमाग में वो बातें फ्रेश रहे। सब लोग ठीक? तो सबसे पहले पुस्तक 1 आपको सिखाए थे 3 हफ्ता पहले या 4 हफ्ता पहले और कहा था कि इस पुस्तक में कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके इस पुस्तक को, ओके, जिसका नाम है द बुक ऑफ हिब्रू। इस पुस्तक को जो लेखक है वो खुद भी यहूदी है, जिसको लिख रहा है वो भी यहूदी है, और इसमें जो कंटेन है वो भी यहूदियों के लिए। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था इस पुस्तक को लिखा गया था हिस्टोरिक के हिसाब से, स्कॉलर्स के हिसाब से वो ऐसा मानते हैं कि, जो कि सच भी है, वो कहते हैं कि इस पुस्तक को जिसने लिखा उस लेखक ने 70 एडी के पहले लिखा, बिफोर 70 AD। यहाँ तक ठीक है? ये वाला यहाँ तक ठीक है? ओके, नाउ इस पुस्तक में जब वो लेखक लिख रहा था तो उसको पता था कि मैं किसको लिख रहा हूँ, और एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसको कहते हैं जूश, लेकिन वहाँ पे टोटल 3 प्रकार के जूविश थे जो आगे रखूँगा, लेकिन उसमें से जो लास्ट वाला यानी कि थर्ड वाला, वो जूविश को वो इनकरेज करता है कि अभी सेक्रीफाइसेस नहीं करना है, जिसका अर्थ होता है एनिमल सेक्रीफाइसेस यानी कि जानवरों का सेक्रीफाइसेस। और वो 3 ग्रुप आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो पहला है पक्के, दूसरा है पक्के यहूदी, दूसरा है आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे, आपको पता है, और तीसरा वो है जो पूरी तरह से मैसियानिक जूश थे या यीशु के पीछे चलने वाले। अमेन, ये वाला अमेन, या ओके। एक व्यक्ति से मिलाया था जिसका नाम है शिमोन हाज़दीक, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है योमा 39B, और उसमें कम से कम 4 से 5 चमत्कार हो चुके थे या होते जा रहे थे, और वो था यीशु के क्रूस के बाद या क्रूसिफिकेशन के बाद, और जो कि आपको मैंने बताया था कि जो बकरा सेक्रीफाइस के लिए होता था, जो परमेश्वर की चिट्ठी पर राइट में निकलता था, वो निकलना बंद हो गया। साथ ही साथ जो कपड़ा जाकर बाहर आता था मंदिर से, वो सफ़ेद होकर आता था, लेकिन उसके बाद से 33 AD के बाद से वो वापस कभी सफ़ेद नहीं हुआ। पर्दा या दरवाज़ा जो खुद से खुलता था, नहीं खुला। जो लाइट या दिया खुद से जलता था, वो नहीं जला। तो जिसके चलते ये सब हुआ कि यीशु का बलिदान, जो यीशु का लहू है, वो फाइनल था और परमेश्वर ने स्वीकार किया, और उसके बाद किसी प्रकार का कोई सैक्रिफाइस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जिसको कहते हैं कि यीशु के लहू से ही मानव जाति का पाप क्षमा हुआ है। यहाँ तक ठीक है? नाउ लेखक यीशु को इन सब से बढ़कर बताता है, वो चाहे प्रॉफिट्स हो, वो चाहे एंजल्स हो, वो चाहे मोसेस हो, वो चाहे जोशुआ हो, वो चाहे हाई प्रीस्ट हो, या वो टबरनैकल हो, जो कि चलता फिरता टबरनैकल यीशु खुद था आज से 2023 साल पहले। या जी, तो जिसके बाद चैप्टर 1 मैंने यहाँ से शुरू किया था, और मैंने चैप्टर 1 पे बहुत जोर दिया था, अब किसी की मत सुनो क्योंकि बेटा आ गया है, उसी की सुनो। और ये हुक्म किसका था? एक साथ बोलो, बाप का, जो सबका बाप है जो ऊपर बैठा हुआ है। आमीन। तो ऐसे करते करते आपके बीच में हमने ये भी रखा था कि जो एंजल्स होते थे तभी, नॉट अभी, तभी जो स्वर्गदूत होते थे जूश के हिसाब से, उनको लगता था कि परमेश्वर के बाद में अगला स्थान स्वर्गदूतों का है, लेकिन उसको भी यीशु ने आकर कहा। और एक नबी था जिसका नाम था दाऊद, उसने तक कहा कि जो मनुष्य का पुत्र आएगा वो स्वर्गदूतों से भी उत्तम ठहरेगा। और हम सभी जानते हैं कि स्वर्गदूत एक मकसद के साथ तब भी थे, एक मकसद के साथ अब भी हैं, और एक मकसद के साथ आगे भी रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूतों से नहीं कहा कि तुमको उद्धार की ज़रूरत है। स्वर्गदूतों से कभी नहीं कहा कि तुम मेरे बेटे हो। स्वर्गदूतों से कभी नहीं कहा कि तुमको जो है मैं अपनी प्रेजेंस देता हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने आपको और हमको कहा कि तुमको उद्धार की जरूरत है, तुमको मेरे प्रेजेंस की जरूरत है, और तुमको मेरी जरूरत है। क्या बात है, यू अंडरस्टैंड? तो हम स्वर्गदूतों से यीशु की वजह से उत्तम ठहरे।
ऐसे करते करते आपके बीच में हम पहुंचे थे चैप्टर टू में, और चैप्टर टू में हमने कहा था कि यीशु मनुष्य बनकर आया, वो भी 100% नॉट 50 ह्यूमन नॉट 50 गॉड बट 100% ह्यूमन एंड 100% गॉड, यहाँ तक ठीक है। तो ऐसे करते करते आपके बीच में हम पहुंच गए थे पिछले हफ्ते यानी कि लास्ट वीक चैप्टर थ्री में, और चैप्टर थ्री में एक शब्द पे बहुत जोर दिया गया था और वो शब्द था डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स, आपके दिल को सख्त नहीं करना। एक साथ पूछो कब? जी जब आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ सुनो। तो जिसके चलते ऐसे करते करते आपके बीच में हमने बहुत सारी बातें रखी थी, लेकिन एक पर बहुत जोर दिया गया था, वो ये था कि 40 वर्ष तक तुम्हारे बाप दादे मुझे परखते रहे और जिसके चलते मैंने उनको जंगल में ढेर कर दिया। आप सबको याद होगा, इज दैट राइट? तो ऐसे करते करते आपके बीच में कुछ पॉइंट्स रखे थे जिसको मैंने कहा था कि अब ये सब नहीं करना है, क्योंकि जिसके पास में यीशु की शिक्षा नहीं है उसके पास में यीशु नहीं है, जिसके पास यीशु की शिक्षा है उसके पास यीशु भी है और पिता भी है। क्या बात है, बाकी लोग भी साथ देते तो मज़ा आ जाता। और वो कौन कौन सी शिक्षाएँ हैं जो आपसे यीशु को छीन रही हैं? और सबसे पहला आता है वो व्यवस्था, और जिसके चलते मैंने कहा था कि हम किसी प्रकार से व्यवस्था का पालन नहीं करते और ना ही किसी को करना चाहिए, क्योंकि अब ये टीचिंग की ज़रूरत नहीं है। वो कौन कौन सी बातें थी आपके मैंने बीच में ये सब रखा था, ना तो टबरनैकल निवास स्थान, ना खतना, ना दशमांश, ना सबात, हम ऐसे किसी चीज़ को नहीं मानते। यहाँ तक ठीक है? क्योंकि हम सब के लिए एक दिन खास नहीं है, सातों दिन खास है। और फिर ये कहा था कि फिर से जिस आज़ादी को प्रभु ने दिया उसमें वापस आपको गुलाम नहीं बनना है, आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्र होना है। ओके नाउ, अब जो रखने जा रहा हूँ आपको याद आ जाएगा कि पिछले हफ्ते मैंने रखा था कि हम किसी प्रकार की अनॉइंटिंग या अभिषेक ऐसा कुछ फूकने से नहीं आता, क्योंकि हम पहले से यीशु की वजह से अभिषिक्त हैं, वी आर ऑलरेडी अनॉइंटेड। अब जो वर्शिप आप करते हैं, आप जो वर्शिप में म्यूजिक प्ले करते हैं या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, इसको अगर कोई कहे कि देखो अब मैं कीबोर्ड बजाऊंगा अब प्रेजेंस आएगा, बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरज कल को बोल सकता है, जो कि ये कभी नहीं बोलेगा, मेरे को पता है, कल को धीरज बोलेगा मैं ऐसा बजाऊंगा कि अभिषेक उतरेगा, मतलब अनॉइंटिंग, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। ओके और मेरे को नहीं पता कि आज इसके बाल ऐसे क्यों खड़े हैं। ओके कहीं पे पकड़ लिया था। और जो ब्रदर कुछ दो तीन हफ्ते से आ रहे हैं, नाम क्या है, कृष्णा, नितेश, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो कहेगा अभी मैं ऐसा बजाता हूँ वैसा बजाता हूँ गिटार को या जो भी है ना, और देखो प्रेजेंस आएगा, बकवास। और ना ही, मैंने कल बोला, परसों भी, लास्ट वीक भी बोला, कुछ लोग कहते हैं प्रीचर प्रचार करता है ऊपर से संदेश लाता है, प्रॉफिट प्रोफेसी करता है तो प्रोफेसी लाता है, वर्षी पर विचित्र प्राणी है वो, सट करके मिलना चाहिए उसको एक दिन, वो वैसे ही पतला है। कहता है कि जब हम वर्षी पर गाना गाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे लाते हैं। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर पहले से आपके अंदर है, बाप रे, तो फिर उपस्थिति किस खिला रहे आप? इसको कहते हैं कि बनती है पब्लिक उल्लू, बनाने वाला चाहिए। और कुछ लोग ऐसे उल्लू बनाते हैं वो खुद ही उल्लू होते हैं और पब्लिक को बनाकर खुद को शाना समझते हैं, मुंबई की भाषा बर्दाश्त करो, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसी कोई उपस्थिति किसी की वजह से नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर पहले से हम सबके अंदर है। एक बार ताली हो जाए प्रभु के लिए जी। बस दूसरा, ऐसा किसी प्रकार का शॉल या किसी प्रकार का ऐसा हॉल कुछ नहीं होता है। आप दुनिया भर का शॉल पहनो, दुनिया भर का हॉल में जाओ, आपको किसी प्रकार का कोई स्पेशल अनॉइंटिंग नहीं आएगा। जो स्पेशल था वो आ चुका है और वो है पवित्र आत्मा। ओके और यही वजह है कि अजय दासर ने आज तुरंत गाना चेंज कर दिया, क्योंकि उसको भी पता है कि हम ऐसा किसी प्रकार का बकवास का गाना नहीं गाते। यू अंडरस्टैंड? या
अब इसको देखिए, अभिषेक के नाम पर लोगों को उल्लू बनाना, इसको कहते हैं तेल लगाओ घर पे आशीष आएगी। बाप रे, मेरी गाड़ी 2-3 तेल से भरी पड़ी है, फिर भी चूहा वायर काट के गया। एक है पेट्रोल, वो भी तेल, दूसरा है इंजन ऑयल, वो भी तेल, ऊपर से गियर बॉक्स में अलग से ऑयल, वो भी तेल, और जो हम लोग खुद हैं सर पे लगा के कभी कभी तेल, और फिर हो जाते हैं फेल। अगर तेल से सब कुछ होता तो फिर यार जिसने खुद की तेल की दुकान खोल के रखी वो तो, यू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको तेल दिया गया है, अच्छा खाना बनाओ और खाओ। फिश फ्राई है, चिकन फ्राई है, बहुत कजारा फ्राई है, उसके लिए यूज़ करो, घर पे लगा दो। क्या था वो आदमी, विचित्र प्राणी, कहता है घर पे लगाओ आशीष आएगी। यीशु कहता है मैं कब से खुद आके बैठा हूँ, तो फिर तेरी आशीष कहाँ गई, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसा किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते। मेजूजा, ये एक अलग प्रकार का चीज़ मुझे पता चला इज़राइल से, मेजूजा इसको लगाते हैं दरवाजे के बाहर, जाते वक्त चूमते हैं, आते वक्त चूमते हैं। ये तो ऐसा हो गया ना जो बाहर लोग करते हैं, जो कि मैं नाम नहीं ले सकता हूं, कहीं पे भी देखा। एक आदमी ऐसा कर रहा था बस में बैठ के, उसको बोला ठीक से देख टॉयलेट है, उसको लगा कि कुछ और है, उसको बोलना पड़ा भाई ठीक से देख वो टॉयलेट है, वॉशरूम है, शौचालय है। तू उसको भी कर रहा है आजकल ऐसे, आपको पता है कभी कभी लात लग जाता है, ऐसे कभी लात लग जाता है, मैं होता तो मार ही देता किसी को। और फिर जब उसको लात लगती तो ऐसे करते, पता है आपको, तो उनको लगता है कि हमने लात मारा उसका अपमान हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात, तेरे को लात नहीं मारना था, और अगर तेरा लात लग गया है तो मुंह से सिर्फ इतना बोल सकते हैं सॉरी। ये क्या होता है? अच्छा, जिसको लात लगा उसको ऐसे, जिसका मर्डर करके आता फिर उसको कैसे? उसी इंसान को तो पैर पड़ता है, फिर उसी इंसान को चाकू मार के आता है, विचित्र है। तो ऐसे करते करते आपको ये सारी बातें बताई थी, और आज है चैप्टर 4। अभी तक ठीक माइंड में सब कुछ आ गया? अब यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? चलो थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। आपको पता है कुछ लोग जिसको कहते हैं ट्रैवलर्स या मुसाफिर, आपके साथ बैठे रहते ट्रेन बस में, उनको पक्का पता होता है कि पीछे कौन सा स्टेशन गया है, और वो आपको चेक करने के लिए पूछते अभी कौन सा गया, जब तेरे को खुद को पता था कि कौन सा गया, मेरे को क्यों पूछ रहा है। तो उसको कंफर्म करना होता है जो पीछे गया वो कौन सा था, और आदमी वाला जो आगे होता है ना वो भी कहता है हाँ वो वाला गया, बोला हाँ अच्छा अभी अगला वो आएगा। तो आपको भी शायद याद आ गया होगा कि पिछला कौन सा गया, और आगे अभी ये आया है, और अगले हफ्ते फिर आगे आएगा 5वां चैप्टर, और अगर आज वक्त मिला तो उसको भी कवर करेंगे। यहां तक ठीक? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, बोलो गेट रेडी। वाह जीसस, ओके। यस्टरडे सैटरडे इसके ऊपर बात किया था, जिसको अभी तक फेसबुक पे अगर मैं गलत नहीं हूं 10,500 लोग उसको देख चुके हैं, 10,500 लोग। और मैं जानता हूं क्योंकि वो जो फेसबुक का वीडियो है वो यूट्यूब पर नहीं है, तो उनके लिए मैं आज इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट कोशिश करूंगा कि जो कंटेन है जो वहां दिया था वो यहीं पे वापस दो, ताकि यूट्यूब वाले को भी मिल सके। और बड़ा गजब का था जो मैंने कल प्रचार किया, ओके। तो मैं आपके बीच में उसका वचन 1 रखने जा रहा हूं, आइए इसको एक साथ पढ़ते हैं। लिखा है इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बाकी है, या अब बाकी है या अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि उसमें से कोई जन उससे वंचित रह जाए, ओके। अब आपके दिमाग में टोटल सब कुछ दिमाग में लेकर आओ, कैलकुलेट करो कि लेखक कौन है, यहूदी, जिसको लिख रहा वो कौन है, यहूदी, और बात किसकी हो रही है, टोटल कंटेंट यहूदियों के लिए, और उनको वो याद दिला रहा है कि तुम्हारे जो बाप दादा थे पूर्वज, उन लोगों ने, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज और मुझे देखते रहो, उन लोगों ने एक चीज मिस कर दी, और वो है विश्राम, या फिर प्रतिज्ञा का देश, या फिर वो जगह जहां उनको जाना था। तो जिसके चलते कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे भी वो छूट जाए।
तो जिसको कहता है वापस पढ़ने जा रहा हूं, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला लेखक कहता है कि कुछ घटा था, कितने लोगों के लिए, 6 लाख लोगों के लिए, और वो उसमें प्रवेश नहीं कर सके, और क्योंकि अभी तक वो विश्राम बाकी है तो कहता है कि जैसा उनसे छूटा कहीं तुमसे ये ना छूट जाए, उसके लिए शब्द को ध्यान देना जो कि लिखा भी है, कहता है कि ऐसा ना हो इसलिए तुम, लिखा है डरो, सब लोग बोल सकते हैं डरो, ओके। कुछ प्रचारक हैं, साथ देना, कुछ प्रचारक हैं कहते हैं कि अब हमको किसी से नहीं डरना है, ठीक है। जब वो कहते हैं तो उनका मकसद क्या है? क्या हमें शैतान से डरना है? नहीं। क्या बीमारी से डरना है? नहीं। क्या तकलीफों से डरना है? नहीं। जादू टोना से डरना है? नहीं। किसी से नहीं डरना है, ऐसा जब कोई कहता है तो उसके पीछे मकसद क्या है? ये सब ठीक है, अगर वो यहां तक ठीक है। वो कहता है जब तुम मसीह में भी हो तो भी मत डरो। बाप रे, फिर यहां गड़बड़ है। कहते हैं कि आपका उद्धार हो गया है, निश्चिंत रहो, सब लोग बोल सकते हैं निश्चिंत रहो, रिलैक्स। जिसको पौलुस कहता है रोमियो आठ का एक में कि अनुग्रह मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते जाए। तो इसको कहते हैं डरो। तो वापस बोल सकते हैं प्लीज, डरो। तो कहता है कि तुम में से कहीं कोई वंचित ना रह जाए, इसके लिए डरो। बाप रे, कुछ बोलने जा रहा हूं, सब लोग तैयार हैं? इसको ऐसे कहेंगे, थोड़ा सा पिक्चर बनाते दिमाग में, इसको ऐसे कहेंगे कि जब पहली सदी आई थी तब के मुकाबले में, आज के मुकाबला जिसको कहते हैं 21वीं सदी, टेम्पटेशंस या बाहर की दुनिया सबसे ज्यादा अब बिगड़ रही है या बिगड़ चुकी है या पहली सदी में? सब लोग, अरे बाप रे, आप लोग कौन सी दुनिया के हैं? सबसे ज्यादा दुनिया कब बिगड़ी है या बिगड़ रही है? अभी 1st सेंचुरी में क्या नहीं था? सबसे पहला, आपको ताज्जुब होगा, कोई पूछे तो बता भी देना और दिमाग में खुद के लिए भी रखना, सबसे पहला पहली सदी में एक चीज नहीं थी जिसकी वजह से मुसीबत ज्यादा आती है, सिर्फ पूछो क्या? पॉपुलेशन, आबादी, वही नहीं था। यहां देखो जंगल, वहां देखो जंगल, नहीं था किसी प्रकार का कोई दंगल। यहां देखो पहाड़, वहां देखो पहाड़, यहां पीछे नदी, आगे कुआं, कुछ नहीं था। पॉपुलेशन इतना कम था तो फिर सोच के देखिए झगड़ा किससे होता होगा। अच्छा, जब झगड़ा भी होता था तो एक साथ होता था, आपको वो भी बता देता हूं। जब झगड़ा होता था तो चिट्ठियां जाती थी, हम आ रहे हैं तुम पर अटैक करने, तो वहां वाला तैयार अपनी आर्मी, यहां वाला तैयार अपनी आर्मी, ऐसे होते थे झगड़े। अगर सड़क पे जा रहे हैं, धक्का लग गया, किसी को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आदमी है नहीं, झगड़ा किसको, झगड़ा करेगा भी तो देखेगा कौन? आजकल झगड़ा इसलिए होता है ताकि 4 लोग देख सके, लगता है ऊपर से गया, बोला देखते इसमें कितना ताकत है, उसमें कितना ताकत है। वो झगड़े का चक्कर ही नहीं होता था, ऊपर से जब कोई परदेसी देखता था तो उसको खुशी से हेलो करते थे या उसको वेलकम करते, अरे आप तो परदेसी है, चलो आओ, आप थक गए हैं, चलो घर पे बैठो खाना खाओ, ऐसे होता था। ना टीवी थी, ना एक्स्ट्रा बीवी थी, लगता ऊपर से गया। और ना ही किसी प्रकार का कोई मनोरंजन, सोशल क्या कहते हैं उसको, रियलिटी शोज, ये शोज, वो शोज, ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता था कि आज गदर 2 हिट हो गया, आज जवान हिट हो गया। आप समझ रहे हैं, गदर 2 में ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में से एक आदमी इधर नहीं, हाँ उधर थिएटर से बाहर निकलते हुए देखा मैंने, हमने, यू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज बहुत कुछ है। तो जिसके चलते अगर सोच के देखिए, जब कुछ नहीं था तो कहते डरो, आज कितना डरना है, यू अंडरस्टैंड, जब कुछ नहीं था तो कहते ऐसे रहो, आज कितना रहना है, सोच के देखिए आप। तो जिसके चलते एक शब्द वो लेखक कहता है, कहीं तुम वंचित ना रह जाओ, ठीक है, ऐसे ही बोल देता हूं, एक व्यक्ति का उद्धार हो गया, सब लोग ठीक, एक व्यक्ति का उद्धार हो गया, उसको करना क्या है? प्रार्थना,
बाइबल संगति मसीह के साथ सही संसार के साथ में बुद्धिमानी के साथ खुद को संभालते हुए ऐसा जीना है ना। उसके बावजूद कहता है कि डरो, बताओ अभी तो ये जो सब कुछ कर रहा है अगर उसको भी डरना है आगे घर बोल दो, जो नहीं कर रहा है या लापरवाह है उसको कितना डरना है। और एक चीज बोल देता हूं जो कल बोला था और गाड़ी में भी चर्चा कर रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे डेबू साहब आप सामने बैठे हैं और आपका बेटा सामने बैठा है। अगर डेबू चर्च का लीडर है और धीरज डेबू का बेटा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एक दिन ऐसा हुआ कि दुनिया खत्म दोनों ऊपर, तो परमेश्वर बोलेगा अरे डेबू वेलकम, जैसे धीरज को देखेगा धीरज अपने पापा को बोलेगा पापा मैं भी आ रहा हूं, यीशु मसीह बोलेगा स्टॉप, एग्जाम्पल दे रहा रे बाबा हाँ लेकिन तू ठीक भी रहे। डेबू वहां पे कितना भी गिड़गिड़ा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां पे कितना भी गिड़गिड़ा है अरे मेरा बेटा है प्रभु आपको तो पता है ना, पैड बजाता था सब कुछ करता था, बोला वो सब ठीक है पैड बजाता था सब कुछ है ठीक है लेकिन उसका रिश्ता मेरे साथ वो कैसा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और ऐसी नथानियल के साथ और मेरे साथ और ऐसी आप लोगों के साथ और जिस जिस की यहां पर बाइको है और जिस जिसका नवरा है उनका भी वही खेल है। अभी कुछ लोग बोले हमारी तो वही नहीं फिर तेरा अलग खेल है। यीशु किसी की वजह से किसी को अंदर नहीं लेगा। ताज्जुब है कुछ प्रचारक लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि न्याय के दिन है ना प्रभु दया कर देगा, तो अगर ऐसा है क्या करो बुलाना ही पड़ेगा, आ जाओ दोनों। शॉन सोच रहा होगा 3 हफ्ते के बाद आया फिर भी टारगेट बनाया मैं। इस तरफ अच्छा ठीक है इसी तरफ। अरे हाँ इसको भी हटाना, ऐसा पूरा पीछे लेके जा। ऑफकोर्स ये है वो ओके? सब लोग मेरी तरफ। ये है वो जो बेचारा बाइबल पढ़ता है संगति करता है चर्च में आता है परमेश्वर का काम करता है संसार के साथ में भी हटकर रहता है सब कुछ है ओके? ये है पक्का विश्वासी और इसी के साथ में इसी के चर्च में आता है कृष्णा नाटक चल रहा है। ये बंदा बहुत ध्यान से सुनना, लॉजिक समझो तभी जवाब देना नहीं तो गई भैंस पानी में। ये व्यक्ति कुछ नहीं करता है, मर्जी से जीता है आता है सुस्ती वाला जीवन जीता है, जब दिल करा प्रार्थना करता नहीं करता है और इसको पक्का पता है कि इसका जीवन ठीक नहीं है। और दोनों गए ऊपर मतलब दुनिया खत्म दोनों सामने प्रभु सामने बैठे, इसको देख लिया बोला अरे शॉन वेलकम, बाद में पता चला इसको भी बोला वेलकम। किसको गुस्सा आएगा सबसे ज्यादा जोर से, क्यों बोला प्रभु आप कर क्या रहे हो, तड़प तड़प के जी रहा था, मैं नौकरी पे जाता था सब बियर पीते थे मैं ऐसा चुपचाप चाय पीता था, मैंने वहां बर्दाश्त किया, लोग संसार का अलग अलग तरीके से जीते थे मैंने वहां सेक्रीफाइस किया, मैं तो इसको अच्छे से जानता हूं, नाटक चल रहा है, मैं तो इसको अच्छे से जानता हूं, मनमानी का जीवन जिया, बीच बीच में फूक लेता था और बीच बीच में थूक लेता था। गुटखा खा के थूक लेता था, सिगरेट पी के फूक लेता था। ओके? और इसकी भी एंट्री मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा, तड़प तड़प के जिया बर्दाश्त करके जिया मेरी आंखों के सामने उल्टा सीधा हरकत करके अगर ये स्वर्ग जा सकता है तो फिर मैं तड़प तड़प के क्यों जिया। एक विचित्र प्राणी है अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, कहता है बपतिस्मा कैसा भी लो प्रभु अंदर ले लेगा। क्या कहता है, बपतिस्मा कैसा भी हो प्रभु अंदर ले लेगा। अगर ऐसा ही होता तो यहां पे हम साउंड डॉक्ट्रिन का प्रीच क्यों कर रहे होते। कितने लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसको कभी एंट्री नहीं है। ये बात अलग है कि प्रभु नहीं लेगा, नहीं तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अब बना के बताओ क्योंकि हम तुमको एक्सपोज करेंगे। इस व्यक्ति को प्रभु अंदर नहीं लेगा। जो रूल इसके लिए है वही रूल इसके लिए है, जो कानून इसके लिए है कमान वही कानून इसके लिए, तो लापरवाह नहीं चलेगा। तब जाकर लिखा है कि कहीं कोई वंचित ना रह जाए, तो लिखा है कि डरो। आप लोग बैठो मैं बात करता हूं बाद में। लिखा है कि डरो, एक साथ जोर से बोलो डरो। या ओके, वचन 2 को पढ़ते हैं सब लोग ठीक ओके? लिखा है क्योंकि हमें
उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुनने पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। इसका मतलब है कि जो प्रचार जूश कहता है, ये लेखक कहता है कि जो टीचिंग आपको दे रहे हैं वही टीचिंग उनको भी दिया गया था, किसको? इसराइलियों को। लेकिन उनके विश्वास ने या उनके अंदर जो विश्वास था वो ठीक नहीं था, तो वचन तुमको भी सुनाया, वचन उनको भी सुनाया, वो लापरवाह निकले लेकिन तुम नहीं निकलना। यहां तक ठीक है? ओके, अब इसको पढ़ते हैं। वचन 3, लिखा है कि और हमें जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उन्होंने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे, क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। अब इसको पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, उत्पत्ति 2:2 में परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। जबकि प्रभु कहता है, लेखक कहता है कि उसका विश्राम उसने डिक्लेयर कर दिया था कि ये 7वां दिन है, अब यहां कोई काम नहीं होगा, उसके बावजूद ऊपर कहता है कि विश्राम बाकी है। कितने लोग समझ रहे हैं? जो पृथ्वी का 7वां दिन है, बहुत ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा, जो पृथ्वी का 7वां दिन है वो तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन ऊपर का 7वां दिन बाकी है। अब आया समझ में? बाप रे, पृथ्वी का विश्राम डिक्लेयर हो चुका है लेकिन ऊपर का विश्राम अभी बाकी है, और जिसको परमेश्वर कहता है कि मैं उसको पूरा करूंगा, तो जिसके चलते मैं माफी चाहता हूं, पीछे जा रहा हूं, जिसके चलते कहता है डरो। अब आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि विश्राम जोर से बाकी है, 7वां दिन बाकी है, परमेश्वर का वो दिन बाकी है। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था द लॉर्ड्स डे अभी भी बाकी है। नाउ वचन 5 को पढ़ते हैं, इस जगह लिखा है कि और इस जगह फिर ये कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश कर ना करने पाए, भजन संहिता 95:11 में, तो अब तो जब ये बात बाकी है, बहुत ध्यान से सुनना, और लिखा है कि जब ये बात बाकी है कि और कितने हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया और उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। बाप रे, उसमें प्रवेश ना किया। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये वाला लाइन, इसको पढ़ सकते हैं प्लीज जोर से, सबको बोलना है, आज्ञा नहीं माने। ओके, अगर आज्ञा मानते तो प्रवेश करते, तो ये कौन सा प्रवेश है? जिसको कहते हैं मूसा से कहा बाहर निकलो, याद आ गया, इजिप्ट से उनको कहा जंगल में जाओ, याद आ गया, फिर उनको कहा कि अब देखो वो दूर से जिसको कहते हैं कनान, उसको देखो, मूसा ने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा, परमेश्वर ने बोला नहीं ले जा सकता क्योंकि तूने एक गलती की है, बट तेरा नौकर जोशुआ वो लेके जाएगा, और वो लेकर गया, उसके बावजूद कहता है कि अभी भी बाकी है। सोच के देखिए आप, तो कनेक्शन यहां पे वो ये है कि परमेश्वर की जो प्रजा है जिसको कहते हैं पूरी मानव जाति, जिसमें आप भी आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, जोश और क्या है, इन सब को कनेक्ट करो, अभी भी बाकी है। अगर वो नहीं गए क्योंकि आज्ञा नहीं माने, अगर हम जाएंगे क्योंकि आज्ञा मानी, वाओ, सी, वापस बोलूं, अगर नहीं गए आज्ञा नहीं मानी, अगर हम जाएंगे तो आज्ञा मानी। वचन 7 को पढ़ते हैं, सब लोग ठीक, लिखा है तो फिर वह किस विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। और आपको याद होगा कि मैंने बार बार कहा था द डे ऑफ द लॉर्ड, आज का दिन कहता है जिसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर, जो कि चैप्टर 3 में मैं आपको बता चुका हूं और पिछले हफ्ते भी बताया था, और अभी मैं फिर बताता हूं, और जो कि एक डेमोन्स्ट्रेट किया था वहां पूना में, उसको मैं यहां फिर करूंगा। मेरा क्वेश्चन यह है कि आपका मन कठोर कौन करता है? कैंसल, आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दूसरा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाप रे, सबसे बड़ा दोस्त आप खुद, खुद के सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद, खुद के दोस्त कैसे? क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई किसी का दोस्त नहीं है सिवाय आपके, आप खुद के दोस्त हैं।
जो सुबह उठते ही खुद को देखता है मिरर पे, कैसा दिख रहा हूं, खुद के दोस्त ब्रश निकालो टक 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 टक, खुद को देखते हैं, खुद को संभालते हैं, वर्कआउट करते हैं, पता नहीं क्या क्या पीते खाते हैं हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और फिर वही आपका दुश्मन। और जो अंदर बैठा है जिसको कहते हैं मन, जोर से बोल सकते हैं मन, यानी कि हार्ट दिल, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और जो आप चाहते हैं वो आपको करने नहीं देता। बाप रे, किसको किसको खड़ा किया था, आ जाओ हेमंत। तो ऑफकोर्स तो जितने अभी यहां पे देख रहे हैं आप लोग वापस से करेंगे, ये अच्छा खासा प्रभु में बढ़ रहा था। बाइबल 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 बाइबल, जाओ लेके आओ, बाकी लेके आओ हेमंत। ओके, इसको ओपन कर लो, सब लोग ठीक ओके, जितने सो रहे हैं जोर से हालेलुया, क्या बात है, एक का आया, कोई बात नहीं, माफी की आपको। इसको कहते हैं कि लड़का अच्छा खासा चल रहा था, मैं जब तक नहीं बोलूं पकड़ना है उसको, अच्छा खासा प्रभु में चल रहा था। किधर है, अच्छा खासा प्रभु में चल रहा था, प्रार्थना कर रहा था, संगति कर रहा था, चर्च आ रहा था, इसका पूरा फोकस था प्रभु। लेकिन धीरे धीरे इसकी दोस्ती हो गई इसके साथ। अब यहां पे लड़की तो नहीं खड़ा कर सकता, तो ऐसा सोचो कि ये उस टाइप का है। मैंने कहा लड़की ओके, जिसके चलते बस बस बस, जिसके चलते इसकी हो गई दोस्ती। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, और आपको सट करके जवाब देना, टक करके जवाब आना चाहिए, जैसी इसके साथ दोस्ती होगी इसके साथ क्या होगा। ओके, वापस पूछ रहा हूं, जैसी इसकी दोस्ती इसके साथ हो गई, और ये वो टाइप का है, ये टाइप का आपको जो समझना समझो, इसके साथ क्या होगा। इसके साथ मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ये बंद हो जाएगा। यहां से शुरू होता है आपका फॉल, आपका पतन, आपका नीचे गिरना, यहीं से शुरू होता है। और लिखा है कि तेरा वचन मैंने अंदर रखा है ताकि मैं पाप ना करूं। वाओ, सी, तो सबसे पहले ये जब खुला था तो ये ठीक था, लेकिन जैसे ही ये बंद हुआ इसका फॉल शुरू। और आपको पता है ना, आपका वचन जिसको आप कहते हैं ना, ये कागज है, ये कागज नहीं है, ये कागज नहीं है, हाँ ये लिखा जरूर कागज में, ये प्रिंट जरूर कागज में किया गया, और आपके पास में जो डिवाइस है उसको आप लोग मेटल बोलो या फिर आपका जो भी बोलो, उसके अंदर जो वचन है ना उसमें ताकत है। ओके, रुको 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 रुको, आपको और एक बोलता हूं, आपके कागज में ताकत नहीं है। अभी जिसको वीडियो बनाना बना लो, आपके कागज में ताकत नहीं है, कागज पे जो वचन है ना उसमें ताकत है। आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा अभी, आपके ये जो कपड़ा है ना जिसको कवर बना है, इसमें ताकत नहीं है, और जिसको आप लोग कहते हैं ना ये पूरा, इसमें ताकत नहीं है, इसके अंदर जो वचन है ना उसमें ताकत है। तो इसका हो गया, पहला था ओपन और अब हो गया बंद, बंद करो, अब हो गया बंद, तो वचन क्या हो गया, बंद। ऊपर से जो प्रभु की बातें आती थी वो क्या हो गया, बंद। लगे हाथ ये भी बोल ही देता हूं, यहां कौन कौन है जो कम से कम 30 साल से मसीह में, 30 ईयर से यहां पे मसीह में, 30 साल 30, एक भी नहीं, ओके यहां, हाँ यहां पे तो कोई भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि सब अगर मेरे बाद आए हैं, और जिसको मैंने गॉस्पल दिया वो चाहे फैमिली मेंबर हो या बाहर के हो, ठीक है ना, आपके लिए कम से कम मैं 30 साल से हूं, राइट। अगर 30 साल से मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, तो एक टाइम आता है ना पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना, यार कितना पढ़ो, ऐसा होता है, बात करो, होता है ना, नेचुरल है भाई, होता है, कितना पढ़ेंगे यार। अच्छा वो छोड़ो, 30 साल से प्रीच कर रहा हूं, नहीं और एक बोलना पड़ेगा, यहां कौन कौन है जो कम से कम एक बार मेरे साथ ग्रेट कमीशन में आया कॉन्फ्रेंस, 1, 2, 3, 4, 5 आप लोग मेरे साथ में ग्रेट कमीशन के टाइम पे मेरे साथ में आए। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, एक कॉन्फ्रेंस करके मैं आकर दूसरा शहर जा रहा होता हूँ, और वो भी रात को गाड़ी चला के, दूसरा दिन मैं सुस्त टाइप प्रीच करता हूँ या एनर्जेटिक। तो जो टीम पहले आती थी कंटिन्यू साथ में, वो तक परेशान होते थे, यार एक ही टाइप का स्लाइड, एक ही टाइप की टीचिंग, एक ही टाइप का कंटेंट, एक ही टाइप के पास्टर लीडर, उनको प्रचार कर करके आप मतलब एक टाइम उतना थक जाते होंगे या आपको बोर होता होगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ।
और आपके लिए जब हम आते हैं ना संडे टू संडे, आपको लगता होगा आपके लिए, माफ़ी चाहता हूँ, बुरा मत मानो, टैक्सी पकड़ो, ऑटो पकड़ो, क्या ऊबर कूबर ओला 16 17 ऐसा पकड़ो और यहाँ पे पहुँच जाओ, फटफट फटफट कपड़ा पहना और आप लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन मुझे आपके यहाँ आने के लिए ये पूरा तामझाम सेट करना पड़ता है और ऊपर से खुद को ठीक रखो क्योंकि यहाँ पे दिखना है। अभी थोड़ी देर के लिए एसी नहीं ऑन हो रहा था तो जो पोथा है ना वो सब लीक हो नहीं हो जाए, उसके लिए वापस गाड़ी मंगा के उसको एसी ऑन करा के अंदर बैठ के ठीक ठाक करके खुद वापस आया हूँ, यू अंडरस्टैंड। अच्छा कुछ लोग बोले कि डैनियल भाई आपको शायद या तो ये नहीं मिल रहा है जो बाल काटता है या तो आप वो रास्ता भूल गए हैं जाने का। बात क्या है, मैं इसको और बड़ा करूँगा और मैंने कहा है कि मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे चोटी बांध के भी आऊँ और मैं देखता हूँ कौन क्या बोलता है। आप है मेरे साथ में, ये सब कुछ हम करते हैं क्यों, ताकि वो एनर्जी जो अंदर है प्रभु की उसको आपके बीच में दिखाता रहूँ, यू अंडरस्टैंड। और एक बोल देता हूँ, आप लोग आते हो 7:30 के बाद या कुछ लोग आते हैं इक्का दुक्का 10-8 लोग 7 के आसपास, अगर यहाँ पे 10 लोग भी बैठेंगे ना मेरी एनर्जी वही रहेगी। तो आप ये नहीं सोचना कि हम जब तक नहीं आएंगे तब तक शुरू नहीं होगा, अगले हफ्ते से अगर आप लोग नहीं भी आए मैं शुरू कर दूंगा, तो मेरी एनर्जी वैसी रहती है। मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि वचन से कभी हम नहीं थकना है और ये कभी ओपन करो, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। आपकी खुराक क्या हो रहा है आज, आपकी जो खुराक है ना आपकी बॉडी की, वो आपका खाना है, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का चाय नाश्ता और रात का डिनर। बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चलते रहते भैंस की तरह, उसको कहते हैं बबल गम, चिंगम, ये गम वो गम, उसको भी जारी रखते हैं। सब कुछ भरा हो उसके बाद अगर आकर किसी ने पूछा एक लेगा, अरे हाँ क्यों नहीं, अरे तेरा पूरा स्टमक फुल है फिर भी खा रहा है, जाता किधर है, इतना खाते हैं क्यों, इसको फिट रखने के लिए, राइट। आप सोच के देखिए आपका अंदर का व्यक्ति जिसको कहते हैं आत्मा, आप उसको कितना खिलाते हैं, ये क्वेश्चन है। ओ डैनियल भाई आपको नहीं पता, हम आपका टीचिंग सुनते हैं उससे कुछ नहीं होता है, आपको टीचिंग इसलिए मिलता है ताकि आपको डायरेक्शन मिले, लेकिन आपकी खुराक आपको खुद खानी है। वाह, थाली बजनी चाहिए थी। एक सेकंड रुको 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 रुको, और एक आ गया, बोल दूं, काफ़ी दिनों के बाद बोल रहा हूँ। ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है इसकी पढ़ाई कितनी है, 5वीं क्लास, 3 बार फेल। सोच के देखिए जिस लेवल का मैं काम कर रहा हूँ, वो 5वीं क्लास 3 बार फेल, अगर मैंने किसी को बोला, और जो डिबेट टाइप के लोग हैं बोलो अरे ये तो मतलब दिखने में ऐसा है पढ़ा कुछ तो किया होगा, अगर उसको पता चले ये 5वीं क्लास 3 बार फेल है, उसकी हिम्मत वैसे ही बढ़ जाए, इसको तो टक्कर दे ही सकता हूँ, उसको कौन बताए या उसको कैसे पता चले जो अंदर बैठा है, यू अंडरस्टैंड। हाँ बस बस बस, उसको मैसेज मिल गया, वो बात अलग है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे होकर खुद को डेवलप करके यहाँ पे ला सकता हूँ, और एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है स्टेडियम में, खास करके स्टेडियम में, वहाँ पे 22 लोग खेल रहे होते हैं और कम से कम 10,000 लोग बाहर बैठे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, जो अंदर 22 लोग खेल रहे होते हैं ना, 22-12 जो भी होते हैं, वो जो अंदर खेल रहे होते हैं ना, उनकी उम्र का उनकी एज का बिल्कुल सामने ऑडिटोरियम में बैठा होता है, वो देख रहा होता है, ये दिखा रहा होता है, जबकि इसने मेहनत करके यहाँ पहुँचा, वो सुस्त का जीवन जी के वहाँ बैठा है, एज बिल्कुल सेम है, वो भी कुछ कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं, और एक आ गया, बोलना पड़ेगा। आप जब चर्च आते हैं, अभी अगले हफ्ते से नहीं आओगे तो वो अलग हो जाएगी, आप जब चर्च आते हैं तो आपका दिमाग में होता क्या है, जाके बैठना है, सुनना है और लास्ट में आमीन बोलना है और घर को जाना है, ऐसा है क्या, तो फिर मत आओ। अरे बापरे, अजय बोलेगा हो क्या रहा है ये, वापस बोलता हूँ, अगर आपने नहीं सुना होगा, आपके दिमाग में ऐसा है क्या, आना है, बैठना है, सुनना है, आमीन बोलना है और जाना है, तो मैं वापस कहता हूँ अगर ऐसा माइंड सेटअप है तो मत आओ। लेकिन अगर कुछ बनना है या कुछ करना है तो आओ, बात सही है, नहीं तो गई भैंस पानी में।
तो इस व्यक्ति ने बंद कर दी, मैं इसको बिठा देता हूँ, इस व्यक्ति ने जैसे ही बाइबल बंद करी, फॉल्स स्टार्ट, और हो गई फिर दोस्ती, दोस्ती शुरू करो, क्या बात है जो पुणे में किया था। ओके, मैंने पुणे में, या खींचो खींचो, कोई दिक्कत है। बस फेसबुक पे नहीं डालना। ओके, कुछ पूछने जा रहा हूं, आपका जवाब चाहिए, सब लोग तैयार? ओके, जैसे ही इसकी दोस्ती हो गई, इसको खींचेगा ये या इसको खींचेगा ये? सही। अब क्योंकि नथानियल अंदर आ चुका है, तो ऐसे ही अंदर आ जा, ऐसी 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 ये वाले पट्टे से आ जा। हाँ, आ जा, वेरी गुड, तेरी खुराक लेके आए तू। इसको कहते हैं शैतान, और ये इसके पीछे 24/7 पड़ा रहता है। सब लोग ठीक? ये इसके पीछे, ये व्यक्ति कौन? शैतान 24/7 पड़ा रहता है। इसको बिगाड़ूं कैसे, इसको भटकाऊं कैसे, इसको मसीह से दूर कैसे करूं? पता है क्यों? क्योंकि अगर ये सही रहा तो ये कईयों को सही कर देगा। बाप रे, ऊपर से गया लगता है, अगर ये सही रहा तो कईयों को सही कर देगा, अगर ये खुद ही सही नहीं रहा तो जो कई बिगड़े हैं उसको कभी सही नहीं कर पाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो इस व्यक्ति ने इसको बनाया था टारगेट, लेकिन क्योंकि ये भटक नहीं सकता, क्योंकि इसके पास में था वचन, ये भटक नहीं सकता है, बहुत ध्यान से सुनना और साथ देना अगर सही हो, लेकिन किसी को लाकर भटकवा भटकावा जो भी है सकता है। यू अंडरस्टैंड? ये भटक नहीं सकता, लेकिन इसको लाकर आगे कबूल देना आप, ठीक है ना? और वापस, हाँ कंटिन्यू, तू पीछे जा। अब इसको ये खींच रहा है, इसको ये खींच रहा है, बोला आज इधर आज उधर, अलाना फलाना। दूसरी चीज सोच समझ के जवाब देना, इसकी आत्मिकता का जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है या नीचे? और एक टाइम ऐसा आएगा, हाँ छोड़ दो जो मैंने पुणे में बताया था, एक ऐसा टाइम आएगा, ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? ठेका मैंने लिया बताने का, शुक्रिया शुक्रिया पूछने के लिए, क्यों? बाप रे, और जितने बैठे हैं सब सोच समझ के जवाब देना। रिश्ता चाहे गरीब का हो या अमीर का, रिश्ता चाहे नीच जाति का हो या उच्च जाति का, रिश्ता चाहे देश का हो या विदेशों का, कभी एक जैसा नहीं रहता। ओ, दूसरी चीज जो पुणे में बोला था, यहां पे भी बोल देता हूं, कोई किसी के लिए नहीं जीता, बल्कि सब इतने खुद गर्ज हैं कि अपने लिए जीते। लाख टके की बात बोली है मैंने, लाख टका, करोड़ टका, एग्री करते हैं? डैनियल भाई, ऐसे कैसे, जिसको मैंने जन्म दिया है वो खुद एक दिन नालायक निकलेगा। कम ऑन, यस ऑर नो? और तू क्या हंस रहा है? आप मेरे साथ में, मैं इसको बार बार पूछते रहता हूं, इधर आ सामने, माँ का बेटा। मैं इसको बीच बीच में डेबू साहब पूछते रहता, बेटा ये किसका है, ये किसका है, वो किसका है, ये किसका है ना, तो पूछते रहता हूँ मजाक में, बोला आपका है आपका है आपका है। मैंने बोला अच्छा, एक दिन ऐसा आएगा, ये मेरा वो मेरा ये मेरा, तू किधर और जा। फिर मेरे को बोलता है, कट्टी नहीं बोलना ऐसा है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, वो चाहे बाप बेटा हो, माँ बाप बच्चे हो, पति पत्नी हो, दोस्त दोस्त हो, भाई भाई हो, कितना भी जिगरी दोस्त हो, कमान, कोई किसी के लिए नहीं जीता, बल्कि सब खुद के लिए जीते हैं। कमान, यस सर नो? पीछे जा, अरे तू कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। ये खुद के लिए जीता था, कैसे बोलूं, लैला मजनू ही राजा, मदद करो रोमियो जूलियट, मदद करो, और क्या है, और क्या बचा है, रोमियो जूलियट ही राजा, लैला मजनू, ताजमहल, मदद करो, और क्या है, दुनिया के जितने भी सो कॉल्ड प्यार के ऊपर जितने भी जोड़ी थी, उन सब को अगर जिंदा करके उठाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है, उन सब को खड़ा करके पूछो, ए भाई तू किसके लिए जीता था? अंदर की बात बोलेगा, क्योंकि अंदर से बाहर आया, वो अंदर की बात बोलेगा, मैं कभी किसी के लिए नहीं जिया, मैं खुद के लिए जिया, मुझे साथ चाहिए था इसलिए इसके साथ था। बाप रे, बहुत ऊपर की बात बोल दी, इसको साथ चाहिए था इसलिए इसका साथ लिया, लेकिन जिस दिन इसका पेट भर जाएगा, ये किसी का साथ नहीं लेगा। कम ऑन, यस ऑर नो? अब ऐसा बोलकर अगर आप अपने जो भी हैं उसको उस नजर से नहीं देखना,
क्योंकि पुलिस सजा तब देती है, कानून सजा तब देती है जब वो गलती करता है। तुम पहले से उसको ऐसा देखोगे तो हो गया काम। इस पृथ्वी पे कोई किसी का नहीं है। और ये खा गया धोखा, इसको लगा कि ये मेरा साथ देगा। अब ये कौन है आप पता लगा लो, है ना, जो भी है, इसको लगा ये मेरा साथ देगा। लेकिन ये साथ कहाँ से देगा, क्योंकि ये खुद का नहीं है तो इसका कहाँ से होगा। ओ इस प्लेनेट पे, अब जरा ताली बजाने वाली बात आ जाएगी, पहले रुक, पहले सुन लो। इस प्लेनेट पे अगर कोई किसी के लिए, जी इस प्लेनेट पर अगर कोई किसी के लिए, पुनः बहुत जल्दी आ गया, वेलकम। ओके, मैं चाहता हूँ कि एक बार खड़े हो जाएं। पूनम और उनके हस्बैंड हमारे बीच में फर्स्ट टाइम है, मैं चाहता हूँ कि उनका ताली बजा के वेलकम प्लीज। या थैंक यू फॉर कमिंग। या कहाँ था मैं? हाँ, इस प्लेनेट पर अगर कोई किसी के लिए नहीं जिया, वो सिर्फ यीशु है। ओके, मेरा मतलब यीशु कभी खुद के लिए नहीं जिया। ऐसा लिखा है कि उसने खुद के लिए जी सकता था, एक जगह पे प्रार्थना भी की, हो सके तो ये हटा दो, क्यों मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन तुरंत उसने चेंज किया प्रार्थना, उसने कहा कि नहीं, तेरी मर्जी पूरा हो। कम ऑन, यस और नो? तो यीशु जिसके लिए सब कुछ दे सकता है, इस व्यक्ति को सीखना होगा कि मुझे भी यीशु के लिए सब कुछ देना है। और जिस दिन वो ऐसे मकाम पर आएगा, तब पता चलता है मसीह जीवन क्या होता है। यहां तक ठीक है? ओके, तीनों जन बैठ जाओ, थैंक यू। और तेरा खुराक लेके बैठ। वाह, कैसा लगा अभी तक? पड़ोस वाले को कोनी मारिए और उनको कहो बात समझ में आई। मैं एक चित्र आपको दिखाऊंगा, जी सेट हो जाए, एक चित्र आपको दिखाऊंगा। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि सुमन तेरे को नत्थू के साथ नहीं बैठना चाहिए? ये स्टैंड इधर था पहले, ऐसा है क्या? ओके, ये जिसका भी ये बंद कर लो जल्दी से। वचन 8, लेकिन उसके बाद एक चित्र दिखाऊंगा। लिखा है, यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा एक साथ ना होती। वाओ, अगर किसी इजरायली को उस वक्त के आज उठाकर उनको पूछे कि सर आप अपने प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे, तो वो एक ही बात बोलेगा, नहीं। लेकिन इसलिए कहता है कि यहोशू उन्हें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा नहीं होती। तो इसका मतलब है कि अभी तक एंट्री करना एक साथ बाकी है। कैसा लगा? जिसके चलते वचन 9, ध्यान से सुनना होगा, लिखा है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। और ये पहले दूसरे दिन क्या डिबेट कर रहे थे, सबत है, सबत है, सबत है, सबत अभी बाकी है। यीशु का सबत अभी बाकी है, विश्राम अभी बाकी है। अब इसको पढ़ो, वचन 10 लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। वचन 11, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का एक साथ, नहीं हम जा चुके हैं, नहीं गया है, इसलिए तो लिखा प्रयत्न करो, तो जिसके चलते ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर, शब्द को ध्यान से पढ़ो, लिखा है गिर पड़े, जोर से। अब ये चित्र पढ़ो, लिखा है कि इसराइलियों ने परमेश्वर के विश्राम को खो दिया था। वाओ, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? पर मसीह की दया परमेश्वर के उस विश्राम को ना खोए। तो इन्होंने खो दिया, लेकिन इनको नहीं खोना है। और ये कौन है? एक साथ आप लोग हैं अभी जो यहां पे बैठे हैं, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है। और वो एग्जाम्पल है कि अगले वाले की गाड़ी छूट गई, तुम ऐसे प्लेटफॉर्म पे मजबूत रहो कि तुम्हारी गाड़ी ना छूटे। जो अनाउंसर या जो भी है वो बार बार बोल रहा था गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, ये आराम से चाय पी रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या लूडो खेल रहा है, इतने में गाड़ी आके चली गई। लेकिन अगले वाला को क्या मिलेगा? चौकन्ना रहने का इशारा।
आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इनका उद्धार, माफ करना, इनका विश्राम ये खो चुके थे। तो लेखक किसी को रख रहा है और कह रहा है इनको और हमको कि तुमको नहीं खोना है, तो मेरा आपका उद्धार हो चुका है। जोर से यस। उसके बावजूद कहता है कि सतर्क रहो। नहीं, आप नहीं समझे, ये देखो, उसके बावजूद कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। सोच के देखिए आप। इसकी बात फिर करता हूं नथानियल के, यूएसए से नहीं, अच्छी वाली है। यूएसए से एक 80 साल की दादी है जिसको हम लोग ग्रैनी बोलते हैं, कुछ 3 साल से हमारे संपर्क में हो, 3 साल से, और यूएसए से कॉल करके जब भी करती है हर 6 महीना 3 महीने के गैप में, तो मुझसे बात करती है, प्रीचिंग की बात करती है, सब कुछ करने के बाद में एक बात लास्ट में बिना पूछे नहीं बोल छोड़ती हो, कहती है नथानियल कैसा है। मैंने बोला बिल्कुल अच्छा है। फिर लास्ट में कहती है उसका ख्याल रखना या उसको संभालना। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है, और ऐसों को कईयों को पता है कि जो जनरेशन है इनका अभी तो ठीक है क्योंकि हम साथ में हैं। बाप रे, अब ये घर जाके क्या बोलेगा मालूम नहीं। अभी तो ठीक है कि हम साथ में हैं, या तो अभी ठीक है कि जो एटमॉस्फेयर है घर का, तेरे को बड़ा तकलीफ हो जाता है नहीं, अभी जो घर का माहौल है, आज दादी नहीं आई तो थोड़ा खुल के बात कर ही लेता हूँ। हाँ, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो इससे थोड़ा सा शब्द को संभालूंगा। मैं कभी कभी इनको पूछते रहता हूँ, खास करके सल्लू को, क्योंकि अभी ये छोटा है, उसको इतना सेंस नहीं है। मेरा बीच वाला भाई अभी भी बॉटल में है, नहीं समझ में आया, वो अभी भी बॉटल में है, थॉमस है उसका नाम, ओके, जो बाहर आता है तो वो नहीं। वो अभी भी बॉटल में है, तो मैं इनको ऐसे पूछते रहता हूँ, अगर तेरा बाप भी ऐसा होता तो, मतलब मैं, सोच के देखो, शाम को आ रहा हूँ मस्त में ऐसे, तो ये जब दरवाजा खोलेगी तो क्या बोलेगी, सोच के देखिए। उसके बच्चे, उसके खुद के बच्चे है ना, मेरे भाई के बच्चे, वो जब बाप को देखते होंगे तो क्या बोलते होंगे। तो मैं कह रहा था कि घर का माहौल अभी ऐसा नहीं है कि ये भटकें, बट आपको नहीं पता कि एक दिन ऐसा आएगा कि घोंसला टूट जाएगा। आप समझ गए, घोंसला टूट जाएगा, हाँ, तब ये हो जाएंगे अकेले और फिर इनको झेलना है। तो इनकी तैयारी कब से करना है, अभी से या बाद में, जिस जिसके हाथ में अभी है, शिनू, जिस जिसके हाथ में अभी है, आपके भी 2 हैं, आपके तो 2 बड़े हो चुके हैं, एक तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, और जिस जिसके है ना अभी हैं, उन सबको देखना है कि यहाँ से 20 साल बाद, चलो ज़्यादा बोल दिया, 10 साल बाद का भारत कैसा होगा। मैंने भारत इसलिए बोला क्योंकि भारत हो रहा है, लगता है ऊपर से गया, जिसको पहले इंडिया कहते थे अब वो भारत हो रहा है। अब सोच के देखिए भारत में भी क्या क्या होगा। तो इसके लिए आने वाले दिन अच्छे हैं, जो कि वो कहता है कि दिन अच्छे हैं, दिन अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए, ए बाबा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके लिए 10 साल का दुनिया कैसा होगा, इजी या टफ, आसान या मुश्किल, टेम्पटेशन सब या तब, तब सही। और जिसके लिए हम बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं, हम वही तो बात कर रहे थे आते वक्त जाते वक्त गाड़ी में, कि ऐसी टीचिंग या ऐसा प्रचार आपको खाने को मिल रहा है, प्रेज गॉड, लेकिन ऐसा दिन आएगा जब ये सब नहीं रहेगा। तो मैंने पुनः में एक एग्जांपल दिया था, मैं उसको रख देता हूं, पहले इसको थोड़ा सा पी लेता हूं। पानी, मेरा हाथ देखना और फिर बताना। हाँ, आप लोग तो बता ही पाओगे, लोग तो बता पाएंगे। इसको कहते हैं तराजू, 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 ठीक है। एक होता है पलड़ा ऊपर और दूसरा होता है नीचे। जो ऊपर है वो ऊपर क्यों और जो नीचे है वो नीचे क्यों? सही जवाब, बिल्कुल कॉमन सेंस, इजी है ना। वो ऊपर इसलिए है क्योंकि वो हल्का है, और ये जो नीचे है ये नीचे इसलिए है क्योंकि उसमें, एक्सक्यूज मी, क्योंकि उसमें, इसको फिर पीना पड़ेगा। और जिसने भी लाया थैंक यू।
वापस आते हैं, वो ऊपर है क्योंकि वो हल्का है और ये नीचे इसलिए क्योंकि वो उसमें वजन है। एक साथ बोलो जरा भारी आवाज में, वजन है। माफी चाहता हूं जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, और खुद को नहीं लेना, बस अब बैठे हो तो सुन लो, दैट्स इट। ये सब बोल सकते हैं। यहां कुछ ऐसे हैं जिनमें वजन है, और यहां बहुत ऐसे हैं जो हल्के, आप समझ गए, जो हल्के हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपने किताब बंद कर दी है तो आप हल्के हैं। जिसने किताब खोल के रखी है, बाइबल की बात कर रहा हूं, उसने उसमें वजन है। तो यीशु का एक वचन है, नहीं पढ़ना है, इसे सुन लीजिए, मती 3:12-10 इनफैक्ट कहता है कि वो अपने गेहूं को इकट्ठा करेगा लेकिन भूसा या भूसे उसको जलाएगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि वजन किस में होता है, गेहूं में या भूसा में? एग्जैक्टली भूसा क्या हो जाता है, एक साथ बोलो उड़ जाता है। आपको पता है कभी कभी जब कॉल आता है ना, पास्टर जी प्रार्थना करो, अजय साहब प्रार्थना करो, तो समझ जाना ये उड़ रहा है, ऊपर से गया लगता है। तो जिस जिसने प्रार्थना निवेदन दिया वो उड़ रहा है क्योंकि उसमें वजन, और जिसमें वजन होता है ना वो मजबूत टिका रहता है। रुको 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 रुको, और एक आ गया। यीशु कहता है कि जिसने अपना घर रेत पे बनाया, चट्टान पे मैं आऊंगा, जिसने अपना घर रेत पे बनाया, आंधी चली तूफान चली और वो तहस नहस गिर गया, खत्म। लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, आंधी तूफान उस पे भी चलती है लेकिन वो घर कभी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उस घर का फाउंडेशन मजबूत होता है। आप शिकायतें कम करोगे क्योंकि आप में वजन है। आप प्रार्थना निवेदन नहीं बांटोगे क्योंकि आप में वजन है। आप दूसरों को शिकायत नहीं करोगे, आलोचना नहीं करोगे क्योंकि आप में वजन है। आप शिकायतें कब करते हो, सब लोग ठीक है, आप शिकायतें कब करते हो, प्रार्थना निवेदन कब देते हो? अपनी मुसीबत दूसरों को आगे, नाराज नहीं होना इसी ले लो, आप अपनी मुसीबत दूसरों के आगे कब रोते हो? जब आप में वजन नहीं होता है। जो मसीह लोग दूसरों को ढूंढते हैं ना, कौन प्रार्थना करेगा, कौन प्रार्थना करेगा, कौन प्रार्थना करेगा, उसको बुला लो, इसको बुला लो, उसके आगे सर ठपाक, उसके आगे सर ठपाक, इसको कहते हैं कि वो हल्का है। बात अगर समझ में आ रही है, कितने लोग सहमत है मैं क्या कह रहा हूं? आपको ऐसे बनना है कि आप अपना विश्राम का दिन ना खोए। बस मैं समाप्ति पर आ गया हूं, आप अपना विश्राम ना खोए। सब लोग ठीक? आप अपना विश्राम ना खोए। हम मसीह की देह, परमेश्वर के उस विश्राम को ना खोए। ओके, बस मैं समाप्ति पे आ गया हूं, और अभी 9:05 बाकी है। सब लोग ठीक? ओके, पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, बोलो बात समझ में आई? ओके, वचन भरा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित जोर से और प्रबल और हर एक धोधारी तलवार से भी बहुत चौखा, चौखा समझते हैं क्या है चौखा, मतलब व्हाट? हाँ, मैं बोलने वाला था कि जो सही जवाब देगा मैं उसको चाय पिलाऊंगा, लेकिन जिसने जवाब दिया वो चाय पीता ही नहीं है। आप नहीं पीते, कम से कम हमको तो पिलाओ। चौखा मतलब शार्पन, अच्छे से शार्प किया है। आपको इसके साथ क्या करना है? बाप रे, रुक रुक, मैं तो को तकलीफ नहीं देता हूं, मैं आ जाता। मैं आटा मतलब वो उठी। अजय साहब से प्रश्न पूछेंगे, जोर से जवाब देना। आप मुझे कब से सुन रहे हैं? 20 साल से। देखा कितना टाइम लगा 20 साल आने में, क्योंकि इतने टाइम से सुन रहे हो तो वो आने में टाइम लगता है। 20 साल से 20 साल से अजय साहब एक प्रश्न पूछूंगा अगर आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा तलवार, मेरी टीचिंग मतलब तलवार, मेरी प्रीचिंग मतलब तलवार, उसमें जंग पड़ रहा है या फिर शार्प हो रहा है? सही, और आप सब गवाह हैं। तो मैं अपने तलवार को क्या कर रहा हूं? मैं प्रतिदिन शार्प कर रहा हूं। कौन से पत्थर पे, कौन से पत्थर पे घसता हूं जाके? पवित्र आत्मा के पत्थर पे घसता हूं उसको। बोले प्रभु और बता और बता और बता। वाह, कैसा लग रहा है? आप क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं।
और जब मैं अगर अपनी धार वाली तलवार चलाऊं, खच 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 सबको काटूंगा मैं, और वही तो काट रहा हूं कई दिनों से. यू अंडरस्टैंड? धोधारी तलवार. वचन तेरा, माफ करना, आगे बढ़ते हैं. लिखा है कि वह जो चौका हो चुका है, प्राण आत्मा को, गाट गाट को, गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. वाह, कैसा लगा? आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन जांचता है? आपका पास्टर नहीं, आपका टीचर नहीं, आपका खुद का मन आपको जांचता है. वचन तेरा, सृष्टि की कोई वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरना जिसमें जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है, सब कुछ उसके सामने है. तो आपको देखता कौन है? मजा आएगा, 5 मिनट और है. आप ऐसा दो बार और बोलूंगा, 5 मिनट और है. आपको देखता कौन है? लिखा है कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ बेपर्दा है, खुला है. आपको देखता कौन है? ऑफकोर्स परमेश्वर. एक और नाम ले लो, मजा आएगा, क्योंकि आगे रखने जा रहा हूं. अगर आप बता दो कि आप ही के पैसे से जो पीना पियो. किसने बोला शैतान? किसने कहा शैतान? किसने कहा? विशाल किधर है? बाहर है. तूने बोला शैतान? आपका बड़ा महायाजक आपको देखता है, क्योंकि अब यहां से कुछ ही वचन है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आपका यही महायाजक कंटिन्यू होगा जब अगले हफ्ते आऊंगा, ठीक है ना? तो लिखा है कि अब यहां से हमारा बड़ा महायाजक शुरू होता है, क्योंकि उसकी आंखों से कुछ भी नहीं छिपा है. यीशु आपको 24/7 आपको देखता है. तो लिखा है, इसको खत्म कर रहा हूं. सो एक साथ पढ़ सकते हैं प्लीज, एट द काउंट ऑफ थ्री, एक साथ, 1 2 3 गो. बस वापस से पढ़िए, ऐसा बड़ा महायाजक. और किस किस को याद है कि यीशु हारून की या मेलकिसेदेक की रीति पर है? किसकी रीति पर? मेलकिसेदेक की रीति पर, नॉट हारून. वचन लिखा है आगे, जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ अपने अंगीकार को दृढ़ता से उसको पकड़ के रखो. टेम्पटेशन बहुत आएंगे, बातें बहुत बिगड़ेगी, सताव बहुत आएगा, विरोध बहुत होगा, खुद के साथ भी. किस किस को याद है आपको दो तरह की लड़ाई लड़ना है? एक दूसरा बाहर से, एक अंदर से, दूसरा बाहर से. तो लिखा है कि जो खुद को थामे रखेगा. अब वचन 15, क्योंकि हमारा ऐसा महायज्ञ नहीं जो हमारी निर्बलताओं और हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरना वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आओ बांध कर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है. वाओ, तो कैसा है आपका महायाजक? बस एक लास्ट दिखा दे रहा हूं, कैसा है आपका महायाजक? सबसे पहला, बड़ा, सबसे बड़ा महा, हारून से भी बड़ा, मेलकिसेदेक से भी बड़ा, इनफैक्ट वो सबसे बड़ा है. यू सी, कहता है कि मैं तुमको देखते रहता हूं. 2 मिनट और लूंगा. एक सिस्टर का कॉल आया था जो मैं कल पुणे में बोला था. उसके हस्बैंड को, वो अविश्वासी है, उसको कुछ बिजनेस करना था तो उसको लोन लेना था, कितना था पता नहीं. उसकी वाइफ विश्वासी है. उसके हस्बैंड उसको कहते हैं कि आपको जब लोन वाला पूछेगा कि ये बिजनेस कब से है तो कहना 10 साल से, जबकि वो बिजनेस को स्टार्ट किए 2 साल हो गया. आपको पता है इसने क्या कहा? इसने कहा कि वो चाहे कोई भी आए, जो सच है वही बोलूंगी. ओ, उसका हस्बैंड कहता है कि छोटा सा तो झूठ है. बाप रे, सी. और फिर उसने मुझे कॉल किया, मैंने सही किया? मैंने बोला बिल्कुल सही किया. मेरा प्रश्न यहां पर यह है, ये औरत ने क्या किया और यहां पर बात क्या हो रही है? खुद को थामे रखो, क्योंकि आपका एक ऐसा महायाजक है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है. यीशु गाली सुनते थे? नहीं, नहीं समझ में. यीशु को लोग गाली देते थे? आप समझते हैं गाली मतलब क्या? बैड वर्ड्स. यीशु को लोग गाली देते थे? यीशु पलटकर गाली देता था? एग्जैक्टली. ऐसा लिखा है पहला पत्रस 1:20, नहीं पढ़ना. लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर धमकी नहीं देता था. जिस तरीके का पोस्टमार्टम मैं कर रहा हूं
और जिसकी वजह से अपोजिट वाले मेरे पे छिड़े और मेरी जो थंबनेल बनती है सोच के देखो मैं अगर बनाने लगूं तो, क्योंकि हमको प्रभु ने ये नहीं सिखाया और किसके अंदर कौन सी स्पिरिट है इसी से पता चल जाता है। लेके जा पीछे, ये लास्ट है। नहीं, ये सच में लास्ट है। ये देखो नेक्स्ट चैप्टर अगले हफ्ते, ये पक्का लास्ट है। मेरे को एक आदमी चाहिए भाड़े पे। आ जाओ शॉन, इधर 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 इधर। आपको वहाँ पे चलना है और पीछे, थैंक यू। और आपको इस तरफ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको चल के ना, और एकदम धीरे धीरे, हाँ एकदम धीरे धीरे, फास्ट नहीं। आपको धीरे धीरे चलना है, जब मैं बोलूँगा तब, ओके। और मैं जिस जिसको बोलूँगा बीच में ऐसे आके उसको अटकाओ और जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो तेरे से शुरू करूँगा, फिर आपसे, फिर आपसे, फिर आपसे, ओके। इसको अटकाओ और जाके बैठ जाओ, ठीक है ना। आपको बिल्कुल धीरे चलना है, आ जा एकदम धीरे। क्या बात है, नहीं और धीरे, और धीरे। हाँ अभी हो गया, और कितना आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, यही शाबाश, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अरे क्या ये गले लग रहे, क्या कर रहे हैं? ओके ओके ओके, वापस आ जाओ, वापस वही स्लो पोजीशन। नहीं नहीं नहीं, पलट के उस तरफ, अभी इस तरफ, अभी इस तरफ, धीरे धीरे। हाँ चलते रहो, आप आ जाओ डेबू साहब, टक्कर मार के जाओ न तू, फिर बाद में तू आना बेटा। अरे शाबाश, ए गले लग रहे प्यार से। आजा आजा जल्दी इसको, हाँ ऐसा जा बैठ जा। ओके अब एक साथ पूछो, ये हो क्या रहा है? शुक्रिया पूछने के लिए। ये इसका जर्नी था, सफर, इसका क्रिश्चियन वॉक, ये इसका लाइफ था जो ये जी रहा था। एक साल, दो साल, तीस साल, चालीस साल, पता नहीं कितना साल जिंदा रहेगा, ये अपना जीवन जी रहा था। और इसके रास्ते में बहुत लोग आए, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, लेकिन इसने अपनी वॉक नहीं रोकी। आपने देखा ना, ये चलता गया। इसको कहते हैं आपका मसीह जीवन। आप जब शुरू किए थे 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले, तो रास्ते में बहुत आते हैं। ईशु, वाह मजा आएगा, ईशु आप कितनी बार रुके और कितनी बार घिरे वो काउंट नहीं करेगा। आप रुके चले या नहीं, आप घिर के उठे या नहीं, वाह। और ये व्यक्ति रुका लेकिन फिर चला, ये व्यक्ति घिरा ये फिर उठा। आपको पता है ये जैसे तैसे करके अपनी फिनिश लाइन कवर कर पाया या कंप्लीट कर पाया। अगर ये नॉलेज आपको नहीं होगा ना, तो आप बीच में हार जाओगे। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, आज ये प्रॉब्लम है, गिर गए लेकिन कभी वापस नहीं उठे, कैंसिल। अच्छा ये तो यहीं पे खड़ी है। तीन दिन पहले क्रिकेट खेल रहे थे रात को 12 बजे अपने कुलाबा में, रात को 12 बजे। इसको लगा था शौक, बोला चलो खेलते, गए इसके साथ में। अभी एक ही है ना जो ऐसी गुजारिश करता है, ये तो बड़ी हो चुकी है। तो इसकी गुंजाइश पे हम लोग गए, तो वहाँ पे इसने देखा कि एक जानवर, सॉरी पक्षी, टोटल मरा पड़ा है। अब बताओ क्या हुआ होगा, या तो गाड़ी के नीचे आया होगा, या तो कुछ खा रहा होगा और वो वक्त पे नहीं उड़ा, खत्म। आपका जब हादसा होता है आपका पहला काम क्या है? सड़क पे हादसा हो गया, आपका पहला काम क्या है? अरे बाप रे, आपका हादसा कभी नहीं हुआ? आपका अगर हादसा हो गया, पहले उठो और साइड में जाओ, नहीं तो दूसरी गाड़ी आ रही है। कम ऑन, यस और नो? आप गिरते हैं मसीह जीवन में, ऑफकोर्स। आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है मसीह जीवन, ऑफकोर्स। आप कभी हार जाते हैं, ऑफकोर्स, लेकिन वहीं पे क्यों रुक गए? आपने क्यों नहीं सीखा कि चलते रहना है? कम ऑन, यस और नो? 50 आएंगे, 50 जाएंगे, लेकिन आपने अपनी चाल क्यों रोक दी? आपको चलते रहना। और यीशु न्याय जब करेगा ना, उस बेस पे नहीं करेगा कि तुमने कितनी बार गिरे, वो उस बेस पे करेगा कि तुम गिर के उठे कितने बार, और उठकर फिर तुमने किया क्या, कैसा लगा। सब खड़े हो जाएं, थैंक यू, सब खड़े हो जाएं।